क्रिकेट की पिच हो और गेंदबाज तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर इतिहास रच दे, ऐसा विरले ही होता है। लेकिन अगर क्रिकेट का मंच वर्ल्ड कप का हो तो फिर तो कहना ही क्या। T20 वर्ल्ड कप 2022 में एक भारतीय गेंदबाज ने श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक ले ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह भारतीय मूल का क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए नहीं बल्कि UAE के लिए खेल रहा था। चेन्नई में जन्मे कार्तिक मरियप्पन ने वर्ल्ड कप 2022 की पहली हैट्रिक ले ली है और मेंस T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले UAE के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। क्रिकेट के मैदान पर अगर कार्तिक का प्रदर्शन उनके मेहनत की तस्दीक करता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से पहले कार्तिक के संघर्ष की दास्तान भी कुछ कम फिल्मी नहीं। 22 साल के कार्तिक मरियप्पन भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं। चेन्नई में जन्मे कार्तिक का परिवार साल 2012 में दुबई में बस गया था। भारत में रहते हुए बचपन में कार्तिक मरियप्पन चेस खेला करते थे। दुबई में ही रहकर कार्तिक ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। कार्तिक मरियप्पन ने 2019 में UAE के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। हकीकत तो यह है कि पिता के देश छोड़ने की वजह से मजबूरी में मरियप्पन ने क्रिकेट के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, लेकिन एक बार जो हाथ में गेंद थाम ली तो फिर अपने साथ साथ परिवार की भी पहचान बनाने की कसम उठा ली। 22 साल के मरियप्पन के पास UAE की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में लंबा करियर है। मरियप्पन IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के डेवलपमेंट स्क्वाड का भी हिस्सा रह चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में मरियप्पन ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3-3 विकेट लिए। अपनी वर्ल्ड कप हैट्रिक में मरियप्पन ने भानुका राजपक्षे, चरित असलंका और दासुन शनाका को अपना शिकार बनाया। उनकी गेंदबाजी इतनी खौफनाक थी कि लंकाई टीम के ज्यादातर बल्लेबाज उनके खिलाफ संघर्ष करते नजर आए। कार्तिक मरियप्पन से पहले T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 बार हैट्रिक ली गई है, जबकि किसी फुल ICC मेंबर नेशन के खिलाफ किसी एसोसिएट देश से खेलकर भी वर्ल्ड कप में पहली बार हैट्रिक ली गई है। हालांकि मैच में श्रीलंका टीम को अपनी गेंदबाजों की बदौलत आसान जीत मिली, लेकिन इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता कि कार्तिक मरियप्पन ने वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन और इस शानदार हैट्रिक के चलते अपना नाम अब क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है।